हर हर महादेव। दोस्तों शिव जी की साधना से कैसा भी संकट हो दूर हो जाता है, और अगर आपको हर समय किसी अनजाने शत्रु से खतरा बना रहता है और आप हर समय खौफ के साए में जीते हैं, तो आपको इसे दूर करने के लिए सावन के आने वाले सोमवार में शिव जी की ये साधना जरूर करनी चाहिए। मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसा उपाय जिसके करने से आपके ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाएंगे। व्रत त्योहार उपाय चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की साधना बहुत फलदायी होती है, और हरदानी भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और थोड़ी सी पूजा से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव जी की साधना से जीवन का कैसा भी संकट हो दूर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन को किसी ज्ञात या अज्ञात शत्रु से हमेशा खतरा बना रहता है, तो आप सावन के आने वाले सोमवार में महाकाल या फिर रामेश्वरम साधना जरूर करें। शिव जी के इन दोनों स्वरूपों की साधना करने पर सिर्फ शत्रुओं पर विजय हासिल होती है, बल्कि जीवन में जुड़े सभी भय दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं शिव जी की विशेष साधना की विधि और इसका महत्व। सबसे पहले है महाकालेश्वर साधना। भगवान महाकाल अपने साधक की हर संकट से रक्षा करते हैं, और अगर आपको हर समय अपने शत्रुओं से खतरा बना रहता है, तो आपको शिव जी की इस साधना को जरूर करना चाहिए। शत्रुओं पर विजय और स्वयं की रक्षा के लिए भगवान शिव की यह साधना बहुत ही फलदायी होती है। महाकालेश्वर की साधना से शत्रुओं की बुद्धि पलट जाती है और वो शांत होकर बैठ जाते हैं। यह साधना विशेष रूप से सैनिकों, पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत उपयोगी होती है। आइए जानते हैं कि इस साधना को कैसे किया जाता है। महाकाल की इस साधना को सावन के सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। साधना के लिए अपने सामने आसन पर काले तिल की एक ढेरी पर तंत्रोक्त रुद्र यंत्र को विधि विधान से स्थापित करें, और उस यंत्र के चारों दिशाओं में त्रिशूल बनाकर उस यंत्र पर पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से ओम जूम सह पालय स जूम ओम मंत्र का 5 माला जप लगातार 7 दिनों तक करें। महाकाल की साधना पूरी होने के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक सभी पूजा सामग्री को उसी कमरे में या पूजा के स्थान में रहने दें। इसके बाद उसे किसी पवित्र नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दें। अब जानते हैं दूसरी साधना, जो कि है रामेश्वरम साधना। महादेव की यह साधना सावन के किसी भी सोमवार को की जा सकती है। दोस्तों इस साधना को प्रदोष काल में यानी कि दिन और रात्रि के संधि काल में करना चाहिए। शिव जी की इस साधना को करने के लिए दक्षिण की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं, और अपने सामने बजोट या फिर चौकी पर एक पात्र में स्वास्तिक बनाकर चौकी पर रखें और उस पर स्फटिक के शिवलिंग को स्थापित करें। इसके बाद शिवलिंग का विधि विधान से पूजन और अभिषेक करें। साथ ही जिस मनोकामना को लेकर आप भगवान शिव जी की साधना कर रहे हैं, उसका मनन अपने मन में करते रहें। इसके बाद जमीन पर आचमनी से जल डालें और ओम हौ शिवाय शिव पराय फट मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें और उस माला को अपने गले में धारण कर लें। ऐसा 3 दिन तक लगातार करें। इस साधना को करते समय हर दिन रात्रि में सिर्फ 1 बार ही भोजन करें। साधना समाप्त होने के बाद शिवलिंग को अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें और रुद्राक्ष की माला को गले में धारण कर लें। उसकी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसके नियम का भी पालन करें। रामेश्वरम साधना करने पर शिव के साधक को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है।
इस साधना को करने पर करियर या कारोबार में आ रही सभी अड़चनें दूर होती हैं। अगर आपकी प्रगति में कोई बाधक बन रहा होता है तो उसकी हार होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस उपाय को करने के बाद आप अपने शत्रुओं पर विजय जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा इस उपाय को करके कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। व्रत त्यौहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।